सो मच किशोर सर कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया और आपके टीम में ट्रेनिंग करने के लिए। तो चलिए आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हफ्ता 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक आपकी नेशनल न्यूट्रिशन वीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज की ट्रेनिंग भी आप सबके साथ करूंगी। न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक है वेस्टीज प्राइम। वेस्टीज प्राइम जो कैटेगरी है, ये वेस्टीज का एक ऐसा यूनिक कैटेगरी है जहां पे जितने सारे सप्लीमेंट्स हैं वो खुद में ही एक यूनिकनेस बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कंबायोटिक्स की, अगर आप मार्केट में कंबायोटिक्स ढूंढने के लिए जाओगे आपको नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी मार्केट में कंबायोटिक्स नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज ये वेस्टीज का ही स्पेशल प्रोडक्ट है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज में ही मिलेगी। इसीलिए इसको हमने क्या किया, एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी में रखा जिसका नाम है वेस्टीज प्राइम। और वेस्टीज प्राइम वेस्टीज का एक प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी है, इसलिए आप देखना ये आपकी सुपीरियर क्लास है, एकदम बहुत अच्छे इसका मार्केट वैल्यू है। और जितने सारे सप्लीमेंट्स है वेस्टीज प्राइम में, इसमें सारे साइंटिफिक एविडेंस से बैक्ड अप है। अगर आप जर्नल्स भी पढ़ोगे क्रील ऑयल के लिए या प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक के लिए, अगर आप किताब भी पढ़ने के लिए बैठोगे तब भी आपको इस किताब में भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स इन सब के मिल जाएंगे। सो जितने सारे सप्लीमेंट्स वेस्टीज प्राइम में है, ये सारे सप्लीमेंट साइंटिफिक एविडेंस से बैक्ड अप है, राइट? सो अगर कोई भी आपको कोई सवाल पूछते तो आराम से आप उनको जर्नल दिखा सकते हो कि देखो मेटा माइंड की इतनी सारी स्टडीज की गई है, क्रील ऑयल की इतनी सारी स्टडीज हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, इतने सारे लोगों ने साइंटिस्ट ने स्टडी किया है क्रील ऑयल के ऊपर, प्री एंड प्रोबायोटिक के ऊपर भी स्टडीज की गई है, तो हमारे पास सारे साइंटिफिक एविडेंस है। सो दूसरी बात, इसमें जो हमारा सप्लीमेंट, अगर हम सप्लीमेंट की बात करें इसमें सारे सुपीरियर क्लास के सप्लीमेंट्स हैं। सबसे पहले इसमें आता है वेस्टीज प्राइम सीबकथॉर्न। ये सीबकथॉर्न को हम ऐसा नहीं कि वेस्टीज ही ऐसी कंपनी है जिसने सीबकथॉर्न को लॉन्च किया, ऐसा कुछ नहीं। सीबकथॉर्न जो है आज से नहीं 14 साल पुरानी एक बेरी है, प्लांट है, फल है, जिसको हम हजारों हजारों साल पहले से हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने इसको कंज्यूम करते आ रहे। इसको वंडरबेरी कहा जाता है। क्यों? यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज इसको वंडरबेरी, राइट, जादुई चीज, यानी कि वंडरबेरी इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें 190 से भी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड है, एक्स्ट्रा न्यूट्रींस। बायोएक्टिव कंपाउंड यानी कि एक्स्ट्रा न्यूट्रींस, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स तो हमें खाने से मिल ही रही है, वो हर खाने में होता है, लेकिन ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड है ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट है। और ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सीबकथॉर्न में कितना है, 190 से भी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड एक छोटे सी बेरी में है, यानी कि सीबकथॉर्न, इसीलिए इसको वंडर बेरी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ले बेरी। अगर हम पूर्वजों की बात करें तो सीबकथॉर्न को अलेक्जेंडर द ग्रेट, हमने इनका नाम अपने हिस्ट्री में पढ़ा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने सिपाहियों को युद्ध के दौरान सीबकथॉर्न की फल खाने के लिए दिया था, ताकि उनके जो सोल्जर्स हैं वो अपने स्ट्रेंथ को, अपने स्ट्रॉन्ग को, यानी कि अपनी एनर्जी को फिर से रिगेन कर सके। और सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है, एशिया, यूरोप, रशिया, कनाडा, ये सारे जगहों में सीबकथॉर्न पाई जाती है। अच्छा, ये सारे जगहों में तो पाई जाती है, लेकिन सवाल क्या है, ठंडे जगह में पाई जाती है कि गर्मी जगह में पाई जाती है? सीबकथॉर्न पाया जाता है एकदम ही नेगेटिव एल्टीट्यूड टेम्परेचर में, यानी कि एकदम ही ठंडी जगह में, इसीलिए इसको ले बेरी भी कहा जाता है। हम सबको पता है कि ले एक जगह है इंडिया में जो बहुत ज्यादा ठंड होती है वहां पे, राइट? सो ये सीबकथॉर्न जो है ये एकदम ही ठंडी जगह में पाई जाती है, जिसके कारण इसको ले बेरी भी कहा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इस वंडर बेरी को, यानी कि इस सीबकथॉर्न को पिक्ड किया, लिया और उसके बाद आर्मी वाले को दे दिया था। जो आर्मी वाले ठंडी जगहों पे देश की रक्षा करते हैं, उन लोगों को सीबकथॉर्न दे दिया गया, ताकि उस ठंडे जगह में उनको एनर्जी मिल सके
और ठंड से वो फाइट कर सके, बिकॉज ठंडी में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे बीमार पड़ने की। और आपके हम और हम सबको पता है कि सिबकथॉर्न में बहुत अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होने के साथ साथ 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी पाई जाती है, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आसमान में जाने वाले राइट एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो भी अपने स्पेस शटल्स में क्या कंज्यूम करते हैं, सिबकथॉर्न को कंज्यूम करते हैं, ताकि जो उनकी एनर्जी लेवल है जब वो अपने स्पेस शटल्स पे रहे उनकी एनर्जी लेवल हाई बनती रहे, राइट। सो ये देखिए, जो चीज एक एस्ट्रोनॉट लेते हैं, जो चीज आपकी डीआरडीओ ने अपने आर्मी पर्सनल को दिया है, हमारे पूर्वज आप कह सकते हो जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने सिपाहियों को दिया है, इतना अच्छा सप्लीमेंट वेस्टीज ने हमारे लिए लेके आए हैं, स्पेशली फॉर वेस्टीजियंस, राइट, जो हमारे हेल्थ को इतना अच्छा करने में मदद कर रही है। जब आप फील्ड वर्क पे जाओगे, देखिए अभी हम कहाँ हैं, अभी हम घर पे आराम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारी ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी हम में से किसी के पास समय नहीं होगा कि हम बैठ के ट्रेनिंग को सुने या ट्रेनिंग करें। मुश्किल से हमें 1-2 घंटा मिल सकता है, लेकिन जैसे अभी हम दिन भर काम करते हैं जूम पे, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जब एक बार हम फील्ड वर्क पे जाएंगे तो हमारा पानी पीना, हमारा नाश्ता करना, हमारा खाना खाना, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली एकदम से बेहिसाब हो जाता है। अभी तो रूटीन वाइज चल रहे हैं, लेकिन जैसे ट्रेवलिंग होगा स्टार्ट, हमारा रूटीन एकदम से उल्टा हो जाएगा। और हम सबको पता है हमारे शरीर में ये जो गड़बड़ी होती है, ये सबसे मेन रीजन हमारा खाना होता है, राइट। सो क्यों ना हमारा ट्रैवलिंग स्टार्ट होने से पहले से ही हम एक अच्छी सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे, जो एक वंडर बेरी है जिसमें 190 से भी ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए मदद करता है। आप सबको पता होता होगा कि आप सब जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो हमें कितनी ज्यादा एनर्जी के साथ सबको एनकरेज करना पड़ता है। चार घंटा खड़े होके हम ट्रेनिंग देते हैं, क्या पॉसिबल है कि एक खाना की मतलब खाना खाए बिना 4 घंटा क्या हमारे लिए पॉसिबल है ट्रेनिंग करना? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तब मैं सिबकथॉर्न लूंगा, तब क्या फायदा लेके, तब तो आपको इंस्टेंट एनर्जी तो मिलने वाली है नहीं। तो अभी से अपनी बॉडी में आप एनर्जी देना शुरू कर दो, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए फ्रॉम फ्यूचर डैमेज, ताकि अगर अभी आप सिबकथॉर्न ले रहे हो तो 3 महीने बाद जब आप बाहर निकलोगे फील्ड में, तब आप देखना आपकी एनर्जी लेवल कितना स्ट्रांग रहेगा। इतना ही नहीं, सिबकथॉर्न में विटामिन सी है जो हेडेक को कम करने में मदद करता है, हमारे मेंटल अटेंशन को इम्प्रूव करने में मदद करती है। और बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं डिजीनेस की, बैठ के खड़े होने से चक्कर सा आता है या फिर ज्यादा समय तक खड़े होने से चक्कर सा आता है, राइट। इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है उसको कम करने में मदद करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिबकथॉर्न में है विटामिन ई, जो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ साथ इसमें जिंक और सेलेनियम भी है, जो एक बहुत ही अच्छा मिनरल है जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का काम करती है। एंड हम सबको पता है ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। ठीक इसी तरीके से सिबकथॉर्न क्या करती है, हमारे ब्रेन का जो टिश्यू होता है, हमारे ब्रेन के टिश्यू को फ्री रेडिकल डैमेज और टॉक्सिन से यानी कि गंदगी से बचाने में मदद करती है हमारे ब्रेन टिश्यूज को। स्टेमिना, देखिए अभी मैं पूरी 40 मिनट कंटिन्यूअसली मैं क्या करूंगी, ट्रेनिंग दूंगी, राइट। अगर मेरी स्टेमिना कमजोर हो गई तो 20 मिनट बाद आप मेरी आवाज मेरे टोन में आपको चेंजेस नजर आएगा, एकदम थकावट सा लगेगा, राइट, अगर मेरी स्टेमिना कम हुई तो। लेकिन सिबकथॉर्न अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, इसमें इतनी अच्छी अमाउंट में विटामिन है जो हमारे स्टेमिना को बिल्ड करने में मदद करता है, यानी कि हमें थकावट होने नहीं देता है, राइट। और जो लोगों को सोने में दिक्कत होती है उन लोगों को आराम की नींद लाने में मदद करता है। कार्डियक बेनिफिट्स यानी कि हमारे हृदय के लिए भी सिबकथॉर्न इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? सिबकथॉर्न में पाई जाती है फ्लेवोनॉइड्स, और ये फ्लेवोनॉइड्स क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती है,
हमारे हार्ट फंक्शन यानी कि हमारा हृदय का जो काम है, जो फंक्शन है, खून को पंप करना, राइट, ये सारे फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ हमारी हार्ट की, हमारे हृदय के टिश्यू में किसी तरीके की स्ट्रेस को आने नहीं देता। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लेविनॉइड्स जो है, आपकी जो थायराइड का प्रॉब्लम होता है, दो तरीके की थायराइड की प्रॉब्लम होती है, एक पतला होने वाला और एक मोटा होने वाला, ये दोनों तरीके की थायराइड के फंक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करेगा। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हाइपोथायराइड यानी कि मोटा वाले थायराइड से परेशान है या पतले वाले थायराइड से परेशान है, आप उन्हें आराम से सिबकथॉर्न दे सकते हैं, बिकॉज सिबकथॉर्न जो है ये दोनों ही थायराइड कंडीशन को अच्छा रखने में मदद करती है। इसके साथ साथ हमारे इम्यूनिटी को बिल्ड करने में मदद करेगी, हमारे इम्यून फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, जो अभी के इस कोरोना के सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, जो लोग कोरोना सेंटर यानी कि क्वारंटीन सेंटर से वापस आए हैं, उन्होंने खुद कहा है कि उनको विटामिन सी की टैबलेट्स भी दी जाती है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिबकथॉर्न में विटामिन सी बहुत अच्छे मात्रा में ऑलरेडी पाई जाती है, तो आप इस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब डायबिटीज के लिए किस तरीके से फायदेमंद है ये सिबकथॉर्न में, डायबिटीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है, बिकॉज क्या करता है, डायबिटिक पेशेंट में से वो लिपिड पेरोक्सीडेशन को कम करने में मदद करता है बाय डिग्रीजिंग रेडिकल फॉर्मेशन। ये जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन है उसको कम करने में सिबकथॉर्न बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में लिपिड पेरोक्सीडेशन फॉर्मेशन नहीं होता। उसके साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करने में सिबकथॉर्न यूज करता है, मदद करती है। सो आज तक जहाँ पे हम डायबिटीज में नीम ग्लूको हेल्थ दे रहे थे, वहां पे अब आप क्या एक और सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो, वो है सिबकथॉर्न। अगर किसी को डायबिटीज के साथ थायराइड का भी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी आप उन्हें क्या दे सकते हो, सिबकथॉर्न, राइट। सो इस तरीके से आपको सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन बनाना है। सिबकथॉर्न जो है टाइप 2 डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। कैसे, ये इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। स्किन के लिए भी सिबकथॉर्न इतनी अच्छी सप्लीमेंट है, बिकॉज इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है और ओमेगा 7 फैटी एसिड्स है, जो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ सिबकथॉर्न की जो सप्लीमेंट है, ये अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है या GERD एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, यानी कि खाना खाने के बाद ऐसा लगता हो कि खाना हमारे छाती के तरफ वापस घुर के आ रहा है, जिसके कारण छाती में बहुत जलन होता है, अगर इस तरीके की किसी को प्रॉब्लम है, खाना खाने के बाद छाती जलना, इस तरीके की अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो आप उन्हें आराम से सिबकथॉर्न सजेस्ट कर सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को भी नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। एट द सेम टाइम आपके लीवर के लिए और आपके आंखों के लिए भी सिबकथॉर्न वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। क्यों, लीवर में ये क्या करती है, जितने सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है, और आंखों के लिए जो ये हमारी आंखें जो ड्राई हो जाती हैं, उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो देखिए, सिबकथॉर्न में एक बहुत ही यूनिक फैटी एसिड पाई जाती है, जिसका नाम है ओमेगा 7 फैटी एसिड्स। यही ओमेगा 7 फैटी एसिड होने के कारण सिबकथॉर्न को एक यूनिक कैटेगरी में रखा गया, और वो कैटेगरी क्या है, प्रेस्टीज प्राइम, राइट। सिबकथॉर्न में जो ओमेगा 7 फैटी एसिड पाया जाता है, उसको पाल्मिटोलिक एसिड भी कहा जाता है, और ये सिर्फ 2 प्लांट सोर्सेस में पाई जाती है, यानी कि सिर्फ 2 प्लांट में पाया जाता है ये फैटी एसिड्स, एक मैकेडेमिया नट ऑयल और दूसरा सिबकथॉर्न ऑयल। और ओमेगा 7 फैटी एसिड एक न्यू रिसर्च के द्वारा ये पता लगाया है कि ये एक बहुत ही अच्छा फैट है, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिक बेनिफिट्स देती है और स्किन केयर के लिए भी बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। सो अगर आपके पास कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो आपको सिबकथॉर्न भी सजेस्ट करनी है। इसकी डोसेजेस
सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिबक्थॉर्न का डोसेजेस। हम लोगों को सिबक्थॉर्न के सप्लीमेंट्स तो समझा देते हैं, लेकिन अगर हमें सप्लीमेंट की डोसेजेस के ऊपर अगर क्लियरिटी नहीं हो तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कतें भी आती हैं। जैसे कि मुझे कल ही फोन आया था, एक लीडर थी जिनके डाउनलाइन को सामान परचेस करना था, राइट, लेकिन उन्होंने एक बार उन्हें परचेसिंग तो करा दी, अब उन्हें डोसेजेस पता नहीं, राइट। अगर आप मुझे कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हो, अगर मैं आपको पूछूं कि सर इसकी डोसेजेस क्या है और आप मुझे डोसेजेस नहीं बता पाए, तो आपको लगता है कि मैं आपसे सप्लीमेंट्स लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कुछ ऐसे दूसरे वेस्टिजियन के पास जाऊंगी जिनके पास सप्लीमेंट की फुल नॉलेज हो, है ना। तो इसीलिए हम हमेशा सप्लीमेंट्स की ट्रेनिंग को रखते हैं। और बाद में मुझे पता चला वो जो व्यक्ति थे या व्यक्ति थी, उन्होंने एक भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। इन 6 महीनों में उन्होंने एक भी वेस्टिज का हेल्थ सप्लीमेंट की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। इसीलिए उनको आज जब उनकी टीम मेंबर में 5,000 रुपीज का कोई परचेसिंग हो रहा था, तो उनको बस सप्लीमेंट की डोसेजेस पता ना होने के कारण उन्होंने वो परचेसिंग ही नहीं की, राइट। सो इसीलिए जब आप सप्लीमेंट के बेनिफिट समझते हो, उसके साथ साथ डोसेजेस भी इक्वली समझने की कोशिश कीजिएगा। सो डोसेजेस क्या है? दिन में 2 कैप्सूल्स, और मैं आपको आज डोसेजेस एकदम इजी तरीके से बता दूंगी। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। आप देखिए वेस्टिज सिबक्थॉर्न कितने की कैप्सूल है, 60 वेज कैप्सूल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, 60 वेज कैप्सूल्स लिखा हुआ है। और वेस्टिज का हर एक सप्लीमेंट आपको 1 महीने में खत्म करना है। अगर 60 कैप्सूल्स आपको 1 महीने में खत्म करना हो, तो आप दिन में कितना डोसेजेस देंगे? 2, राइट। सो हमेशा जब आप किसी को डोसेजेस रिकमेंड करेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो गए, तो फटाफट से आप सप्लीमेंट के डब्बे को देखिए और वहां पे पढ़िए कि इस डब्बे में कितना सारा कैप्सूल्स है। अगर 60 कैप्सूल से तो हम दिन में 2 करके देंगे, 90 कैप्सूल से तो हम दिन में 3 करके देंगे, 100 कैप्सूल से तब भी हम दिन में 3 करके देंगे, 30 कैप्सूल का डब्बा है तो दिन में 1 करके देंगे, ठीक है। ये सारे आपके नॉर्मल डोसेज, यानी कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो आपका सप्लीमेंट लेना चाहते हैं ताकि खुद को हेल्दी रखने के लिए, तो दिन में 2 डोसेजेस काफी है ये कैप्सूल की नंबर को देखते हुए। लेकिन अगर आपने सिबक्थॉर्न किसी थायराइड पेशेंट को दिया या किसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में दे रहे हो, एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में दे रहे हो, तो आप डोसेज को 1 से 2 कैप्सूल्स बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जहां पे आप नॉर्मल लोगों को 2 कैप्सूल्स देते हैं, वहीं पे थायराइड वाले को आप दिन का 4 कैप्सूल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 कैप्सूल से ज्यादा नहीं सिबक्थॉर्न। स्किन के लिए 3 से 4 कैप्सूल्स आपने दे दिया, एसिडिटी के लिए आपने 3 कैप्सूल्स दे दिए। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को देखते हुए डोसेजेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डोसेज की अगर आपको आइडिया हो गया ना, तो आप प्रॉब्लम को देखते हुए डोसेजेस को उसी हिसाब से बढ़ा दीजिएगा। ये एकदम ही इजी चीज है जो आप फील्ड में भी काम कर सकते हैं। और इसका एज लिमिट है 12 साल से ऊपर, 12 years and above। अब आते हैं वेस्टिज प्राइम कुंबायोटिक्स। देखिए वेस्टिज प्राइम कुंबायोटिक्स जो है एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय वेस्टिज के। इसको यूनिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये देखिए आप पिक्चर पे ही देख सकते हो, कैप्सूल ही ना कैप्सूल बना हुआ है। ये बाहर एक कैप्सूल है और अंदर एक कैप्सूल है, और ये कैप्सूल ही ना कैप्सूल किस तरीके के कॉम्बिनेशन से बना है, किस तरीके का फॉर्मुलेशन से बना है, इसमें है विटामिंस, मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। ये 4 चीजों की कॉम्बिनेशन से वेस्टिज प्राइम कुंबायोटिक्स बनी है। एक है विटामिंस, मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। ये 4 चीजों की कॉम्बिनेशन से बना है। अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में भी बाहर के जो कैप्सूल्स है, ठीक है, ये बाहर का जो कैप्सूल है आप देखो यहाँ पे, ये बाहर की कैप्सूल में पाई जाती है क्या? विटामिंस, मिनरल्स और प्रीबायोटिक। मैं आपको दूसरे स्लाइड में प्री एंड प्रोबायोटिक भी समझा दूंगी। सो बाहर के कैप्सूल में क्या है? विटामिंस, मिनरल्स और प्रीबायोटिक, ये आप लिख लीजिए।
वहीं पे अगर हम बात करें अंदर की कैप्सूल, ये वाली कैप्सूल जो अंदर एक कैप्सूल पाया जाता है, सो अंदर की कैप्सूल जो है इसमें क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें है प्रोबायोटिक, जो एक गुड बैक्टीरिया है, राइट। आपके पेट में जो खाना जाता है उसको हजम करने के लिए भी गुड बैक्टीरिया का हेल्प चाहिए होता है, कीटाणु के ही हेल्प चाहिए होते हैं। ये जो हम खाना हजम करते हैं ना, इसको हजम करने के लिए भी कीटाणु की जरूरत पड़ती है, लेकिन कौन से कीटाणु, अच्छा कीटाणु, गुड बैक्टीरिया, जिसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। और वेस्टिज कंबायोटिक का अंदर वाला जो कैप्सूल है वो आपका प्रोबायोटिक है, ठीक है। सो आइए अब हम दूसरी चीज डिस्कस करते हैं, वो क्या है। जब आप कंबायोटिक्स की कैप्सूल, तो देखिये ये जो इनर कैप्सूल्स है ना, अंदर की जो कैप्सूल है प्रीबायोटिक, ये स्टेबल फॉर्म में लेता है। जब आप इसको खाओगे ना तो ये मुंह में जाते ही मुंह से ही मतलब ब्रेक नहीं होता है, ये सीधा आपके पेट में जाने के बाद ही अंदर वाला कैप्सूल जो है आपके गट में यानी कि पेट में रिलीज होता है और उसके बाद अपना काम शुरू करने लग जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोबायोटिक है कैप्सूल जो है अंदर वाली कैप्सूल, ये जब आपके पेट में पहुंचता है उसके बाद पेट में पहुंचते ही ये रिलीज होता है, ये कैप्सूल से रिलीज होना शुरू होती है और अपना एक्शन शुरू कर देता है, यानी कि खाने को हजम करना शुरू कर देता है। तो ये जो वेस्टिज फ्रॉम कंबायोटिक्स है, हमारे शरीर में हमारी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स यानी कि विटामिंस एंड मिनरल्स, ये दोनों चीज तो दे ही रही है, उसके साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रख रहा है। कैसे? प्रो प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन से, प्रो प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे शरीर को, जिसके कारण हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी हो रहा है। अब बात करते हैं मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स। देखिए आजकल हम जो खाना खाते हैं, हम सबको पता है उससे हमें पूरा विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं मिल पाता, तो ये विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी के कारण हमें बार बार बीमारियां होना शुरू हो जाता है। ये विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेगनेंसी के दौरान भी कम होता है, जब हम अच्छा खाना नहीं खाते तब भी विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, जब पेट संबंधित प्रॉब्लम्स हो जैसे कि डायरिया होना बहुत बार, वॉमिटिंग होना बहुत बार, नौशिया होना बहुत बार, ये सारे भी एक तरीके के रीजन है जिसके कारण हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी होती है। और दूसरा चीज आप देखो, आजकल डायबिटीज, थायराइड एक ऐसा बीमारी बन चुका है जो जिस सभी के घर में है, और ये सारे कंडीशंस में हम मेडिकेशंस लेते ही लेते हैं। तो ये मेडिकेशंस क्या करता है, हमारे शरीर में विटामिन्स एंड मिनरल्स की मात्रा को कम कर देती है। तो ये जो कंबायोटिक्स में मल्टी विटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स मौजूद है, ये हमारे शरीर में विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी को पूरा करने में मदद कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, आप सलाद्स खा रहे हो, आप सब्जियां खा रहे हो, तो आपको विटामिन्स मिनरल्स मिल रहा है, लेकिन आप ही कुछ सोचिए उस सब्जी में, उस फल में कितना ज्यादा केमिकल्स है, कितना ज्यादा केमिकल्स है, और वही केमिकल्स हम खा रहे हैं जो हमारे शरीर में जाते ही विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा को कम कर रहा है। तो हमें वैसे ही विटामिन एंड मिनरल्स बाहर से सप्लीमेंट के द्वारा लेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रो एंड प्रीबायोटिक्स। देखिए ये जो प्रोबायोटिक है ना, ये एक गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, गुड बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, ये एक गुड बैक्टीरिया है जो हमारे पेट में ऑलरेडी मौजूद है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम प्रीबायोटिक की बात करें, ये प्रोबायोटिक का खाना है, जैसे कि हमें स्ट्रांग रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है तभी हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है, ठीक उसी तरीके से प्रोबायोटिक को काम करने के लिए खाना चाहिए। और वो प्रोबायोटिक का खाना क्या है, प्रीबायोटिक, जो हमें बाहर से लेना है, यानी कि फूड सोर्स से लेना है प्रीबायोटिक को, जैसे कि दही से आपने ले लिया, लस्सी से आपने ले लिया, योगर्ट से आपने ले लिया, है ना, इस तरीके से फाइबर से आपने ले लिया, फाइबर रिच खाने से आपने ले लिया, राइट। सो अगर आपको आपकी आप चाहते हो कि आपके शरीर में
गुड बैक्टीरिया यानी कि प्रोबायोटिक सही तरीके से काम करे तो आपको बाहर से प्रीबायोटिक भी लेना है। ज्यादा से ज्यादा फल सब्जी खाना है हमें ताकि प्रोबायोटिक को भी खाना मिल सके और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सके। लेकिन आजकल हमारा खाना इतना ज्यादा एसिडिक है यानी कि पिज्जा बर्गर ऑयली फूड ज्यादा स्पाइसी फूड मसालेदार खाना ये सब खाने के कारण क्या हो रहा है, ये प्रोबायोटिक जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, खाने को सही तरीके से हजम नहीं कर पा रही है जिसके कारण शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको रोजाना अपने लाइफ में एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करना है तो आप प्री एंड प्रोबायोटिक वाला हमारा कॉम्बायोटिक्स लेना शुरू कर दीजिए। बिकॉज आज भी हम घर पे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम ज्यादा लंबे समय तक भूखा रह जाते हैं, कभी ना कभी हम बहुत स्पाइसी खाना खा देते हैं, हमारा टाइम टेबल कभी ना कभी बिगड़ जाता है, इधर उधर हो जाती है जिसके कारण हम अपने हफ्ते में 2 से 3 दिन तो एसिडिटी का शिकार बनते ही बनते हैं। और ह्यूमन गट यानी कि हमारा पेट, आप यहाँ पे जो पिंक कलर का देख रहे हो हमारा पेट है, ये ब्लू कलर का क्या है, प्रोबायोटिक जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है जो एक गुड बैक्टीरिया है। वहीं पे एक जो काला काला आप देख रहे हो क्या है, प्रीबायोटिक जो हमारा प्रोबायोटिक का खाना है। और ये सारा खाना कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे पेट में। सो हमारी कॉम्बायोटिक के बेनिफिट्स क्या है, ये हमारे हमारे रेगुलर डेज में हमारे नॉर्मल लाइफ्स में भी विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद कर रही है और ये जो हमारे डाइजेशन संबंधित प्रॉब्लम्स है उसको भी पूरा करने में, उसको भी आराम दिलाने में, रिलीफ दिलाने में मदद कर रहा है। अगर हम बात करें डाइजेशन प्रॉब्लम की, ये छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का प्रॉब्लम है, राइट? सो इसके लिए हमें अपना डाइट रूटीन भी सही रखना है और सप्लीमेंट्स भी रोजाना लेते रहना है। अगर आप कॉम्बायोटिक्स ले रहे हो तो ये बहुत सारी डीजनरेटिव डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरीके की प्रॉब्लम्स में भी आप कॉम्बायोटिक्स को एड कर सकते हैं सप्लीमेंट, ठीक है? और उसके साथ साथ सीजनल इन्फेक्शन जैसे कि कोल्ड फ्लू सर्दी खांसी हो गया, इस तरीके की इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी लड़ने में ये बहुत अच्छे तरीके से मदद करता है। अगर हम बात करें कॉम्बायोटिक्स की डोसेजेस की तो कॉम्बायोटिक्स का डोसेजेस जो है वो 1 से 2 कैप्सूल्स डेली यानी कि 2 कैप्सूल्स तो मिनिमम आप मैक्सिमम आपको लेना ही है। ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है विद प्रोबायोटिक्स प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल्स, ठीक है? इसकी डोसेजेस क्या है, 1 से 2 कैप्सूल्स खाने के साथ, खाने के आगे भी नहीं खाने के बाद भी नहीं, खाने के साथ आप लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप भात दाल सब्जी खा रहे हो, ठीक उसी समय आपको 1 कैप्सूल खाना है और पानी के साथ निगल जाना है। जब आप खाने के साथ लोगे तभी तो जो कैप्सूल है प्रोबायोटिक जो अंदर वाला कैप्सूल है वो खाने में ही जाके रिलीज हो जाएगा और खाना खाने के समय पे ही खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगी, है ना? और किसी रोज अगर आप खाने के साथ भूल गए तो खाना खाने के तुरंत बाद इसको लेना शुरू कर दें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि किसको लेना है, सारे बच्चे 12 साल से ऊपर के बच्चे जो कंप्लेन करते हैं उन्हें भूख नहीं लगता आप उन्हें दे सकते हो, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम पेट संबंधित प्रॉब्लम्स है चाहे वो 12 साल से ऊपर के बच्चे हो, बुजुर्ग हो, एडल्ट हो, कोई भी ले सकता है। हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कोई ऐसे बच्चे हैं 12 साल से ऊपर के कोई ऐसे बच्चे बुजुर्ग या एडल्ट या आप खुद हैं जिसको खाना पीना आप सही समय पे नहीं लेते हो तो आप भी इसको ले सकते हैं। बिकॉज एक रीजन हमारा एसिडिटी प्रोड्यूस होने का या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने का क्या है, पुअर ईटिंग हैबिट, समय पे खाना ना खाना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खाना तो खा लेते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होता शरीर में, जिसको हम माल एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो उस तरीके के व्यक्ति को भी आप कॉम्बायोटिक्स दे सकते हो। जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप उन्हें कॉम्बायोटिक की सप्लीमेंट दे सकते हैं। ऐसे महिला को आप दे सकते हो जो कंसीविंग के लिए प्लान कर रही है, जो माँ बनने की प्लान कर रही है, आप उन महिलाओं को भी दे सकते हो।
और कंबायोटिक्स जो है ये हमें हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। देखिए जब आपके शरीर को रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते रहेगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप पूरा दिन हेल्दी रहना स्टार्ट कर दोगे। तो इसकी एज लिमिट क्या है, 12 साल से ऊपर। हम नॉर्मली कंबायोटिक्स कब अवॉइड करेंगे, आप कंबायोटिक्स किडनी पेशेंट डायलिसिस में अवॉइड कीजिएगा, और अगर आप कोई प्रेग्नेंट लेडी को देना चाहते हैं या लैक्टेशन लेडी को देना चाहते हैं, एक बार डॉक्टर से जरूर पूछे, और जब भी आप डॉक्टर से पूछेंगे तो अपने साथ कैप्सूल भी लेके जाइएगा, वेस्टीज का डब्बे को भी लेके जाइएगा, बिकॉज देखिए कोई भी चीज बिना पढ़े डॉक्टर भी रिकमेंड नहीं करते। जब डॉक्टर एक बार सप्लीमेंट को पढ़ लेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे तो वो भी आराम से प्रेग्नेंट लेडी को भी यस कह देंगे। सो एक बार डॉक्टर से सलाह करना इम्पोर्टेंट है। सो अभी तक हमने जो किया वो हमारे वेस्टीज प्राइम का दो बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट्स था। अब हम जो करेंगे वो है क्रिल, ये भी वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है फॉर अस, हम सबके हेल्थ के लिए, और ये हमारी आज की लास्ट सप्लीमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो वेस्टीज क्रिल है ना, क्रिल तो सबसे पहले एंटार्क्टिका कनाडा एंड जापान के ओशंस में पाई जाती है, और वेस्टीज क्रिल जो है ये पाया जाता है, ये हमने लिया है वेस्टीज क्रिल को हमने लिया है एंटार्क्टिका के ओशन से। एंड हम सबको पता है कि एंटार्क्टिका में जो पानी पाया जाता है वो वन ऑफ द प्योरेस्ट वाटर है, वहां पे किसी तरीके की पोल्यूशन नहीं है। तो आप खुद इमेजिन करो जो आप क्रिल कंज्यूम कर रहे हो उसमें कितना ज्यादा प्योर वाटर से लेके आए हैं, प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये क्रिल हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, और क्रिल के एक्सट्रैक्शन के दौरान जितने सारे हार्मफुल इफेक्ट होती है वो सब चीजों को निकाल के फेंका गया। क्रिल के एक्सट्रैक्शन के दौरान क्रिल में से वो जो मछली का बर्पिंग होता है, आप देखो जब भी आप एक फिश संबंधित कैप्सूल्स खाते हो ना, उससे एक फिशी बर्प आता है, मछली का डकार आता है, राइट। लेकिन क्रिल से वैसा डकार, मछली वाली भाप या डकार नहीं आएगी, बिकॉज एक्सट्रैक्शन, जब हमने क्रिल का एक्सट्रैक्शन किया, कैप्सूल्स बना रहे थे, तो उस दौरान वो फिशी बर्प या फिशी स्मेल को, मछली वाले स्मेल को हमने बाहर कर दिया, यानी कि एक्सट्रैक्ट कर दिया था, निकाल दिया था, साफ कर दिया था। सो क्रिल की सप्लीमेंट में ऐसा क्या है जो क्रिल सप्लीमेंट को इतना इतना स्पेशल और हेल्दी बनाती है? इसमें है फोस्फोलिपिड्स, देखिए। सो देखिए एकदम इजी चीज मैं आपको बताती हूँ क्रिल के बारे में। हमारा जो सेल्स है, हमारे बॉडी में भी इस तरीके का सेल्स है, राइट। सो क्रिल में जो है, क्रिल में भी फोस्फोलिपिड पाई जाती है, और हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी क्या पाया जाता है, फोस्फोलिपिड, राइट। सो क्रिल का फोस्फोलिपिड और आपका सेल का फोस्फोलिपिड, हमारे शरीर का सेल का फोस्फोलिपिड और क्रिल में जो फोस्फोलिपिड पाई जाती है, वो दोनों दोस्त हो गए, फ्रेंड्स। सो जब आप क्रिल कंज्यूम करते हो ना, वो आपके शरीर में जाते ही बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में कोई पहचानने वाला इंसान आए, आपका फ्रेंड आए, तो आप बेझिझक दरवाजा को खोल देते हो, कुछ नहीं सोचते, और अपने फ्रेंड को घर के अंदर आने देते। लेकिन वहीं पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको आप पहचानते नहीं है, तो आप उसको घर के अंदर घुसने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं, बाहर से ही सारी जानकारियां लेने के बाद तभी आप उसको घर के अंदर आने देते हो, राइट। ठीक उसी तरीके से क्रिल में जो फोस्फोलिपिड पाई जाती है, वही फोस्फोलिपिड हमारे सेल्स में भी पाया जाता है। तो जब आप क्रिल खाओगे ना, तो क्रिल में जो फोस्फोलिपिड है वो हमारे सेल में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर जाएगा, बिकॉज फोस्फोलिपिड फ्रेंड्स हो गए। तो जब सेल्स में फोस्फोलिपिड एब्जॉर्ब होगी, तो आपका हेल्थ बेनिफिट्स भी उतना ही फटाफट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए क्रिल को बहुत ही यूनिक बनाता है। जिस तरीके से मेटामाइन में फोस्फोडिडाइल सीरीन पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से क्रिल में फोस्फोकोलीन पाई जाती है, फोस्फोकोलीन। और ये कोलीन होने के वजह से, कोलीन हमारे लीवर में भी पाया जाता है, सो ये फोस्फोकोलीन होने के वजह से क्रिल, हमारे क्रिल का सप्लीमेंट हमारे लीवर के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट कहा जाता है, बिकॉज क्रिल में पाई जाती है फोस्फोकोलीन। अगर कोई आपको पूछे कि मेटामाइंड
क्रील भी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेटामाइंड भी ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में इनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। मेटामाइंड में फोस्फोडाइल सीरीन है और आपके क्रील में फोस्फोकोलीन है, तो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। ओके, और ये कोलीन होने की वजह से क्रील ऑयल कैप्सूल, क्रील ऑयल जो है ये हमारे लीवर को भी बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी रखने में मदद करता है। क्रील ऑयल इज वन ऑफ द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कौन से फॉर्म में, EPA एंड DHA, राइट। सो ये बहुत ही, ये देखिए फिश ऑयल के जैसे नहीं, लेकिन इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है क्रील ऑयल में, ये बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। और क्यों एब्जॉर्ब होती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी की जो सेल है वो भी फॉस्फोलिपिड फॉर्म करती है। जैसे ही शरीर के सेल्स में आपका क्रील चला जाता है, वैसे ही हमारा सेल क्रील को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके वजह से फिश ऑयल से क्रील ऑयल को एकदम से अलग और हटके बनाता है, राइट। सो अगर कोई डिफरेंस पूछे कि क्रील ऑयल और हमारे फिश ऑयल में डिफरेंस क्या है, फिश ऑयल में फोस्फोलिपिड नहीं पाई जाती है, लेकिन क्रील ऑयल में फोस्फोलिपिड पाया जाता है, जो जिसके कारण क्रील ऑयल को स्पेशल और डिफरेंट बनाया जाता है कंपेयरिंग टू रेगुलर फिश ऑयल कैप्सूल्स। अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, तो क्रील ऑयल इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ये कंटेन करता है वन ऑफ द पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है एस्टाजेंथिन। सो क्रील ऑयल के बेनिफिट्स क्या हो गई, क्रील ऑयल में जो ओमेगा 3 के प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं बिकॉज ऑफ फॉस्फोलिपिड कंटेंट, और ये सबसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होंगी जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में और बॉडी के दूसरे टारगेटेड ऑर्गन्स पे। क्रील ऑयल हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी हेल्दी रखने में मदद करती है, खून को जमने नहीं देती, ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करता है। अगर हमारे शरीर में खून की पाइप में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो गया, यानी कि खून जमने शुरू हो गया, तो फ्यूचर में हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा है। सो क्रील ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो हमारे खून के नली में, यानी कि खून के पाइप में खून को जमने नहीं देता, और जब खून जमेगा नहीं, अच्छे तरीके से फ्लो करेगी, तो फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसे प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, क्रील में बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन डी पाई जाती है जो जॉइंट लुब्रिकेशन में मदद करता है, राइट। सो देखिए, डायबिटीज वाले को हम ग्लूकोसामाइन अवॉइड करते हैं, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डायबिटीज है, तो हम उन्हें क्या नहीं दे सकते, ग्लूकोसामाइन। सो ग्लूकोसामाइन की जगह पे आप क्या दे सकते हो उन्हें, क्रील ऑयल, उनकी हड्डियों की सुरक्षा के लिए। सो डायबिटीज वाले को हम ग्लूकोसामाइन ना दे के क्रील ऑयल सप्लीमेंट उनकी हड्डी की सुरक्षा के लिए दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें DHA है जो हमारे मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस, मेमोरी पावर, मेंटल फोकस को इम्प्रूव करने में मदद करता है। हम हमेशा स्किन के लिए, हमारे स्किन को हेल्दी रखने के लिए एलोवेरा, आंवला, नीम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्रील ऑयल में एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट एस्टाजेंथिन पाया जाता है जो हमारे स्किन के हेल्थ को भी अच्छा रखने में मदद करती है, हमारे शरीर को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप क्रील ऑयल ले रहे हो तो ये आपके ओवरऑल ह्यूमन हेल्थ को अच्छा कर रहा है, जैसे कि एंटी इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टी है, हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कोलीन होने के कारण हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई आपको कंप्लेन करे मसल क्रैम्प्स की, तो उसमें आप दे सकते हो। वास्कुलर बेनिफिट्स, जॉइंट बेनिफिट्स, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सभी चीजों में आप आराम से क्रील को कंज्यूम कर सकते हैं। डोसेजेस ऑफ क्रील, अगर आपको क्रील लेना है आप कैसे कंज्यूम करोगे, दिन में 1-2 कैप्सूल्स खाने के साथ, ठीक है, 30 कैप्सूल्स है तो दिन में 1 रोजाना आप लेंगे। डोसेज को बढ़ा दीजिए अगर आप किसी तरीके की प्रॉब्लम में दे रहे थे। ज्यादातर हम क्रील उसमें अवॉइड करते हैं, डायलाइसिस में अवॉइड करेंगे, ठीक है, डायलाइसिस में हम इसको अवॉइड करेंगे।
ठीक है, अगर आपको बेटर रिजल्ट पाना है क्रिल का तो 2 से 3, 3 से 4 महीना क्रिल को कंटिन्यू कंज्यूम कीजिए, 1 दिन भी छोड़े बिना क्रिल को कंज्यूम कीजिए, आपको 2 मंथ के अंदर ही आपके शरीर में हेल्थ बेनिफिट्स नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर हम क्रिल की एज लिमिट की बात करें तो क्रिल का एज लिमिट 3 years and above, क्रिल का एज लिमिट 3 साल से ऊपर के बच्चे को हम देंगे, 3 साल के ऊपर के बच्चे। अगर 3 से लेके 11 साल के बच्चे को आप क्रिल ऑयल दे रहे हो तो दिन का 1 कैप्सूल एनफ है, ठीक है। 3 साल से लेके 11 साल के बच्चे अगर आप क्रिल ऑयल दे रहे हो तो 1 कैप्सूल दिन का काफी है, और 12 साल से ऊपर के बच्चे को आप दिन का 2 कैप्सूल भी दे सकते हैं। छोटे से बच्चे अगर क्रिल को नहीं निगल पा रहे हैं तो आप इस तरीके की क्रिल की कैप्सूल होता है, ये इस कैप्सूल में आप छेद कर दीजिएगा और उसके बाद इस कैप्सूल में से तेल को निकाल के उनके दूध के खिचड़ी में, उनके दाल में, उनके सूप्स में आराम से मिक्स करके उन्हें दे सकते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने वेस्टीज प्राइम कैटेगरी को कवर किया।